स्वागत है आपका SSC कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हम इंग्लिश की सीरीज चला रहे थे जिसमें हम एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ब सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज पढ़ रहे थे। दोस्तों, यह इंग्लिश की सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। फाइंड द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेज द मीनिंग। दोस्तों, यहाँ पर बेस्ट एक्सप्रेसेज रहेगा, यहाँ पर गलती से बट लिखा गया है, बेस्ट रहेगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि वह शब्द चुनिए जो कि इस दिए शब्द का बहुत ही अच्छा अर्थ बताए, मतलब सिनोनिम हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो सिनोनिम बताना है ऑडेसियस का। ऑडेसियस का दोस्तों सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑडेसियस का मतलब होता क्या है दोस्तों? ऑडेसियस मतलब क्या होता है दोस्तों? साहसी, साहसी होता है दोस्तों। ऑडेसियस मतलब क्या होता है? साहसी, साहसी होता है। ठीक है दोस्तों, ऑडेसियस का मतलब क्या होता है? साहसी होता है। ऑडिशियस मीन साहसी। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन साहसी वाला है। कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? सहमत होना, सहमत होना। बी एग्री, सहमत होना दोस्तों। और दूसरा दिया है ब्रैजन, ब्रैजन का मतलब क्या होता है? बेशर्म दोस्तों, बेशर्म होता है। ठीक है, ब्रैजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेशर्म। तीसरा दिया है इवेलुएट, इवेलुएट का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। ठीक है दोस्तों, मूल्यांकन करना। एक दिया है रिप्रोच, रिप्रोच का क्या होता है दोस्तों? तिरस्कार करना, तिरस्कार करना। तो दोस्तों आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इसमें से नया मैच कर रहा है, नया मैच कर रहा है, नया मैच कर रहा है। अब ऑप्शन नंबर बी सही है कैसे? और बताइए आप बेशर्म, बेशर्म बताइए दोस्तों। बेशर्म वही लोग होते हैं जो साहसी होते हैं, यानी साहसी लोग क्या होते हैं? बेशर्म होते हैं। तो इस तरह से ऑडेसियस का सिनोनिम आपको ब्रेजन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन में ऑडिशियस दिया और इसका सिनोनिम पूछा है तो आप ब्रेजन पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमत होना, कॉन्सेंट का मतलब सहमत होना होता है। और इवेलुएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना। रिप्रोच का मतलब क्या होता है दोस्तों? तिरस्कार करना। ठीक है दोस्तों, मैं इन सब का भी सिनोनिम बता दे रहा हूँ। इवेलुएट, इवेलुएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना। इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम? एस्टीमेट दोस्तों, एस्टीमेट मैं लिख दे रहा हूँ, एस्टीमेट। ठीक है दोस्तों, इवेल्युएट का मैं लिख दे रहा हूँ एस्टीमेट। उसके बाद रिप्रोच का, रिप्रोच का मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना। ठीक है दोस्तों, तिरस्कार करना, यानी कि इसका मैं लिख दे रहा हूँ डिसडेन। इसका सिनोनिम मैं लिख दे रहा हूँ डिसडेन होता है। ठीक है दोस्तों, तिरस्कार करना या घृणा करना। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ डिसडेन। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। और कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का आप जानते ही हैं, सहमत करना, सहमत होना, यानी कि एग्री। ठीक है दोस्तों, एग्री। और ब्रेजन का आप जान ही रहे हैं, ब्रेजन का क्या हो जाएगा? ऑडेसियस। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन से हमने इतने सारे क्वेश्चन जान लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिया है बिगोटेड। ठीक है दोस्तों, बिगोटेड दिया है, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों प्रेजुडाइज्ड। ठीक है दोस्तों, प्रेजुडाइज्ड, प्रेजुडाइज्ड मतलब क्या होता है? कट्टर। ठीक है दोस्तों, कट्टर होता है, कट्टर होता है। और बिगोटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? कट्टर होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? कट्टर होता है। कट्टर का मतलब दोस्तों, मतलब जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक चीज़ के प्रति काफ़ी लगाव उसका हो, जैसे किसी धर्म के प्रति, किसी चीज़ के प्रति, उसे कहते हैं कट्टर। ठीक है दोस्तों, बिगोटेड का मतलब क्या होता है? कट्टर। और प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? कट्टर। ठीक है, और इन बाकी ऑप्शनों को देख लेते हैं। मॉक, मॉक का मतलब क्या होता है दोस्तों? नकली। मॉक का मतलब क्या होता है? नकली। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते होंगे, उसमें मॉक टेस्ट देते होंगे। मॉक का मतलब वहाँ पर क्या होता है? नकली टेस्ट। ठीक है दोस्तों, मतलब पूरा असली तो नहीं होगा और नकली टेस्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे मॉक का मतलब क्या होता है? नकली। ठीक है, और नकली का एक और मीनिंग है स्पूरियस। ठीक है दोस्तों, स्पूरियस होता है नकली का। अनरियल भी कर सकते हैं, स्पूरियस आप लिख सकते हैं। इसको मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से। नकली का मॉक का क्या हो जाएगा? स्पूरियस। आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, स्पूरियस होता है। ठीक है दोस्तों, स्पूरियस। मॉक का क्या हो जाएगा? नकली का, स्पूरियस। ठीक है, अगला मीनिंग दिया है कोरोड। कोरोड का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्षय होना, क्षय होना या खरोच लगना। क्षय होना या खरोच लगना। ठीक है दोस्तों, क्षय होना या खरोच लगना होता है कोरोड का मतलब। ठीक है, और तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रस्ट दोस्तों, क्या हो जाएगा? रस्ट या फिर कंज्यूम। रस्ट या फिर कंज्यूम आप नोट कर सकते हैं, रस्ट या फिर कंज्यूम। ठीक है दोस्तों, रस्ट या फिर कंज्यूम आप इसे नोट कर लीजिए। तो कोरोड का मतलब क्या होता है? क्षय होना। और उसी प्रकार रस्ट का मतलब भी क्षय होना होता है, और कंज्यूम का मतलब भी क्षय होना होता है। एक ऑप्शन दिया है हैम्पर। हैम्पर का मतलब क्या होता है दोस्तों? बाध्य, बाध्य। जैसे कोई नहीं होता है, अब किसी चीज़ कोई किसी को कोई काम करना है लेकिन वो अपने फैमिली की वजह से कुछ नहीं कर पाता है, या फिर कोई
जिसमें बाधा आ जाती है किसी काम करने की, किसी काम में, उसे कहते हैं हैम्पर। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा इनहिबिट। ठीक है दोस्तों, इनहिबिट हो जाएगा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो बिगोटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रेजुडाइज्ड, प्रेजुडाइज्ड इसका मतलब कट्टर। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे क्वेश्चन से हमने इतने सारे वर्ड मीनिंग को तैयार कर लिया। ठीक है, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। फाइंड द एंटोनिम। अब दोस्तों एंटोनिम्स बताना है, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट, विलोम शब्द बताना है। तो देखते हैं पहला स्पूरियस। देखिए दोस्तों स्पूरियस दिया है, स्पूरियस का मैंने अभी अभी बताया, स्पूरियस मतलब होता है नकली। ठीक है दोस्तों, नकली होता है स्पूरियस, मतलब क्या होता है नकली। बताइए जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जेन्युइन का मतलब होता है, जेन्युइन का मतलब होता है असली, वास्तविक। ठीक है दोस्तों, रियल, जेन्युइन का मतलब क्या होता है, रियल होता है दोस्तों। और जेन्युइन शब्द जो है एयरफोर्स में पूछा गया था दोस्तों, 2019 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, 2019 में जेन्युइन पूछा गया था, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो स्पूरियस मतलब क्या होता है, नकली, और जेन्युइन मतलब क्या होता है, वास्तविक। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं और बाकी तीन ऑप्शन को। इसका एंटोनिम बताना था, तो इसका मतलब होता है नकली, और इसका क्या होता है, असली। ठीक है, और बाकी तीन ऑप्शनों को देख लेते हैं। हॉस्टल, हॉस्टल का मतलब क्या होता है दोस्तों, हॉस्टल का, हॉस्टल का मतलब होता है दोस्तों एनिमी, मतलब शत्रुतापूर्ण। ठीक है दोस्तों, हॉस्टल का मतलब क्या होता है, शत्रुतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण दोस्तों। हॉस्टल का मतलब क्या होता है, शत्रुतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण, हॉस्टल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। ठीक है दोस्तों, हॉस्टल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, आप इसे लिख लीजिएगा। इसका सिनोनिम क्या होता है दोस्तों, एमिकेबल होता है, इसका सिनोनिम होता है एमिकेबल, यानी कि फ्रेंडली, फ्रेंडली होता है, एमिकेबल या फिर फ्रेंडली आप लिख लीजिएगा। ये वर्ड मीनिंग्स काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, इन शब्दों को लिख लीजिएगा। तो हॉस्टल का मतलब क्या हो जाएगा, एमिकेबल। एक दिया है डॉर्फ, डॉर्फ का मतलब आप जानते हैं बौना आदमी होता है, डॉर्फ का मतलब क्या होता है, बौना आदमी। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एंटोनिम हो जाएगा जायंट, जो कि विशाल आदमी होता है, जी राक्षस की तरह होता है, तो जायंट, जायंट बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जायंट बोल सकते हैं। एक दिया है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अस्पष्ट, अस्पष्ट दोस्तों, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, अस्पष्ट होता है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर, क्लियर हो जाएगा, या फिर क्लियर हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑब्वियस हो जाएगा, या फिर आप एविडेंट बोल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्वियस, ऑब्वियस या क्लियर दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों बर्बल। ठीक है दोस्तों, बर्बल दिया है, और बर्बल का मतलब क्या होता है, मौखिक। ठीक है दोस्तों, आप बर्बल रीजनिंग पढ़ते होंगे, मौखिक रीजनिंग। ठीक है, तो बर्बल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मौखिक। ठीक है, और एक इसमें इसका कौन सा अपोजिट हो जाएगा, इसका हो जाएगा रिटेन, लिखित। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, लिखित वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, वर्बल का क्या हो जाएगा, वर्बल का होगा मौखिक। ठीक है दोस्तों, मौखिक, और रिटेन का क्या हो जाएगा, लिखित। ठीक है दोस्तों, रिटेन का क्या हो जाएगा, लिखित, रिटेन का हो जाएगा लिखित। ठीक है दोस्तों, रिटेन का क्या हो जाएगा, लिखित। ये तीन ऑप्शनों को देख लेते हैं, उसके बाद हम अगला देखते हैं। टिमिट का मतलब होता है डरपोक, और ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोह, देशद्रोह या फिर गद्दार। परसूड, यहाँ पे दोस्तों परसूड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, परसूड रहेगा दोस्तों, परसूड, परसूड का मतलब दोस्तों होता है राजी करना, किसी चीज़ किसी को मना लेना, राजी करना। ठीक है दोस्तों, तो परसूड का मतलब क्या हो जाएगा, राजी, राजी करना किसी को। तो ठीक है दोस्तों, तो अगला वाला देखते हैं, अगला वाला देखते हैं। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। तो इडियम्स का मीनिंग बताना है दोस्तों। ए जेंटलमैन, ए जेंटलमैन एट लेंज, लेंज नहीं होगा दोस्तों, लार्ज होगा, ए प्रिंट के लिखने में इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो लार्ज रहेगा दोस्तों, लार्ज रहेगा। ठीक है, अ जेंटलमैन एट लार्ज, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एक सज्जन व्यक्ति का जो कि दूर हो। तब आप मुझे बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे दूर हो, तो वो क्या आप उस पर विश्वास कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, यानी कि वो क्या होगा, विश्वास जिस पर नहीं किया जा सकता, ऐसा व्यक्ति होगा। अगर कोई व्यक्ति है जो आपसे काफ़ी दूर हो, दूर है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, अविश्वसनीय व्यक्ति, अविश्वसनीय व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो आपसे काफ़ी दूर हो, यानी कि ए जेंटलमैन एट लार्ज, ये दोस्तों लार्ज रहेगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आपसे दूर हो, तो क्या हो जाएगा, एन अनरियलाइबल, रियलाइबल पर्सन, एन अनरियलाइबल पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, दूर पर, जो व्यक्ति दूर पर आपसे, दूरी पर खड़ा हो, तो आप उस पर क्या विश्वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं।
बिटवीन द कप्स कप एंड द लीफ्स, ठीक है दोस्तों, बिटवीन द कप एंड द लीफ्स, इस इडियम का हमको बताना है अर्थ। तो दोस्तों यह हो जाएगा ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, यहाँ पे दोस्तों पॉइंट रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, पॉइंट रहेगा इसकी जगह पे, इसकी जगह पॉइंट रहेगा, ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, ठीक है दोस्तों, पॉइंट रहेगा, अब बना लीजिएगा पॉइंट, ठीक है दोस्तों, ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट। आप मुझे एक बात बताइए, आप जब चाय पीते होंगे, आप कप में चाय पीते होंगे, आप पीने वाले एकदम होते हैं, आप अपने लिप्स पे लगाते हैं तो एकदम उसके बीच में एकदम जरा सा गैप रहता है, यानी कि अचीवमेंट के एकदम कगार पे होते हैं, आप चाय पीने के एकदम कगार पे होते हैं, तो इसी उसी का अर्थ क्या है, ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वर्ड फॉर दीज एक्सप्रेशंस, दोस्तों एक्सप्रेशंस रहेगा, यहाँ पर भी दिक्कत है, तो एक्सप्रेशन इसको बना लीजिएगा, और यहाँ पे भी गड़बड़ है, यह रहेगा इस यहाँ पे भी गड़बड़, यह रहेगा लाइफ स्टडी ऑफ ए मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा खुद का जीवन परिचय लिखा लिखा जाना, उसको क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और बायोग्राफी क्या होता है दोस्तों, किसी दूसरे का जीवन परिचय लिखना, उसे कहते हैं बायोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है दोस्तों, बिब्लियोग्राफी क्या होता है दोस्तों, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ग्रंथ सूची होता है, ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ग्रंथ सूची। और कैलीग्राफी का मतलब होता है, सुंदर लिखावट, ठीक है दोस्तों, सुंदर लिखावट, तो कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, सुंदर लिखावट, ठीक है। और इसका कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑटोबायोग्राफी, यानी कि खुद का जीवन परिचय लिखना ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। और अगला वाला है अ स्टेटमेंट दैट कैन हैव ए डबल मीनिंग, एक ऐसा वाक्य जिसके दो अर्थ हो सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एम्बी वैलेंट दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, उभयवाची इसका अर्थ होता है, उभयवाची, ठीक है दोस्तों, उभयवाची होता है इसका अर्थ, उभय उभयवाची होता है, ठीक है। एक ऐसा वाक्य जिसके दो अर्थ होते हैं उसका, उसको क्या कहते हैं, एम्बी वैलेंट कहते हैं, उभयवाची, ठीक है दोस्तों। एक दिया है वर्बोस ऑप्शन में, वर्बोस दिया है, इसका मतलब क्या होता है, वाचाल, समन हु स्पीक्स वेरी मच, उसे कहते हैं वाचाल, ठीक है दोस्तों। और एक दिया है एम्बिगुअस, ठीक है दोस्तों, क्या दिया, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब दैट विच इज़ समथिंग दैट इज़ अनक्लियर, ठीक है दोस्तों, जो कि क्या हो, ऑब्सक्योर, अस्पष्ट हो दोस्तों, ठीक है, अस्पष्ट हो, उसे कहते हैं एम्बिगुअस, ठीक है दोस्तों। एक है एपिग्राफ, एपिग्राफी, एपिग्राफ है दोस्तों, ठीक है ना, एपिग्राफ, इसका मतलब क्या होता है, सूक्ति होता है। आप दोस्तों कहीं किसी मंदिर वंदिर में जाते होंगे, मस्जिद में जाते होंगे, वहाँ पे लिखा रहता है दीवारों पर, ठीक है दोस्तों, कुछ लिखा रहता है, कुछ आदर्श वाक्य लिखा रहता है, उसी को कहते हैं सूक्ति, ठीक है दोस्तों। तो यह थे ओरिमेनिंग के पार्ट, जिसे दलीली फटाफट दोहरा लेते हैं, तो दोस्तों दोहरा लेते हैं, ऑडेसियस, ऑडेसियस का क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रेजन, ठीक है, सिनोनिम्स का ब्रेजन हो जाएगा, इसका मतलब असासी होता है। बिगोटेड, बिगोटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कट्टर, प्रेजुडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एंटोनिम बताना था, स्पूरियस, स्पूरियस का मतलब क्या होता है, नकली, जेन्युइन का मतलब वास्तविक, वर्बल का मतलब होता है दोस्तों मौखिक, और रिटेन का मतलब होता है लिखित, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जेंटलमैन एट लार्ज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन अनरिलायबल पर्सन। और एक अगला वाला है बिटवीन द कप एंड द लिप्स, तो ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, ठीक है दोस्तों। अगला वाला है फाइंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस दी एक्सप्रेशंस, तो इसका हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। अगला वाला दिया है अ स्टेटमेंट दैट कैन हैव डबल मीनिंग, इसका हो जाएगा एम्बिवैलेंट, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर कोई वीडियो में कमी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।